hello and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 28th october 2021 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section you can also download september 2021 magazine from our website spmisacademy.com this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एंड दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ सेगमेंट सबसे पहले देखते हैं क्या है करंट न्यूज तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक नया स्कीम प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मिशन लाया गया है तो इस मिशन के बारे में कुछ और डिटेल में बातें देखते हैं इट इज़ लार्जेस्ट ऑल इंडिया स्कीम सिंस 2005। 2005 में हेल्थ रिलेटेड एक स्कीम लाई गई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और उसके बाद से ये उस हेल्थ रिलेटेड सबसे बड़ा स्कीम है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और देखिए ये स्कीम वैसे तो इस साल बजट में अनाउंस कर दी गई थी क्योंकि पैंडेमिक के बाद से एक बात तो तय हो चुकी है कि भारत के जो क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं एंड वी नीड टू फिल दोज़ गैप्स एंड दैट इज़ वाई एंड सेकेंड वेव मेड इट मोर अपेरेंट कि देर आर लॉट ऑफ गैप्स इन इंडियाज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके बाद से ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है भारत सरकार ने कि किस किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सो दिस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा जो भी हमारे 720 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें टोटल लगभग 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन द कमिंग फोर टू फाइव इयर्स फ्रॉम 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन टू टू और मेनली तीन क्रिटिकल एरियाज़ में फोकस होगा ऑगमेंटिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ फ़ॉर द ट्रीटमेंट कि हमें बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल्स वगैरह जो मिले ट्रीटमेंट के लिए उसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स मतलब टेस्टिंग वगैरह के लिए दिक्कत क्या होती है कि डॉक्टर कहीं और होता है सरकारी हॉस्पिटल्स में फिर टेस्ट कराने कहीं और जाना होता है तो ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया जाएगा ताकि इस तरह के पैंडमिक्स फ्यूचर में प्रिवेंट किए जा सके तो अजय सेड द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू प्रिपेयर इंडिया फॉर कोरोना लाइक आउटब्रेक्स इन फ्यूचर तो ये जो प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन थ्री फेजेज़ फेज वन में कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ की जाएगी कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो पैंडेमिक का सेप ले सकते हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस की जाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे टोटल 730 डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबॉरेट्री बनाई जाएगी इस परपज़ के लिए फिर हर स्टेट में पाँच रीजनल ब्रांचेज बनाए जाएँगे और 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स बनाए जाएंगे ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल तो एक नेशनल लेवल पर सेंटर बनाया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल उसके हर स्टेट में पांच ब्रांचेज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 20 यूनिट्स छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाएंगे इस नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के कैसे आप आर के सेंटर्स देखते हैं तो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अलग अलग जगहों पर इसके उसके छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं उस तरीके से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बनाया गया है और उसके हर स्टेट में कम से कम पाँच ब्रांचेज होंगे एंड नेशनल लेवल पे देर विल बी एन इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जिसपे हेल्थ रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होंगे फिर सेकेंड फेज में देर विल बी क्रिएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो पहले में सर्विलेंस पे फोकस किया जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज़ के कि कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं और दूसरे लेवल पे फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट पे डायग्नोस्टिक्स पे कि क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं क्या क्या उसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं उस पर फोकस किया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग रूरल एरियाज़ में सत्रह हज़ार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे अर्बन एरिया में लगभग ग्यारह हज़ार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे इन दीज सेवन थर्टी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे पंद्रह हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर्स बनाए जाएंगे और नेशनल लेवल पे दो कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल्स जो किसी भी इन्फेक्शन को कंटेन कर सकते हैं और मोबाइल भी होंगे वो मूव भी कर सकते हैं अब ये कैसे होगा दैट इज़ येट टू बी सीन लेकिन कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स मतलब मान लीजिए कि किसी को इस तरह की इन्फेक्श डिजीज हो जाती है तो उसको उस कंटेनर हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा एंड दैट हॉस्पिटल कैन मूव ऑल्सो उसके अलावा पूरे इंडिया भर में बारह सरकारी अस्पतालों को डेवलप किया जाएगा एज क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स विच विल एक्ट एज मेंटर फॉर अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थर्ड फेज में देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव फोकस ऑन पैंडेमिक रिसर्च किस तरह के पैंडेमिक्स फ्यूचर में ना हो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की जाएगी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो एग्जिस्टिंग 80 वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लैब्स बनाए जा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा स्टेट लेवल पे पंद्रह नए बायोसेफ्टी लैब्स बनाए जाएंगे और नेशनल लेवल पे चार नए रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वार वायरोलॉजी के सेंटर्स से इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब इतना तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप सारे डाटा याद रखें कि प्रधानमंत्री आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या क्या चीज़ें किस किस लेवल पे की जाएंगी लेकिन हाँ आपको एग्जाम में अगर प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे सवाल आ जाए तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है ये तीन फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा फेज़ वन में जो इन्फेक्सियस डिजीज हैं उनके सर्वेलेंस के लिए मैकेनिज़म डेवलप किए जाएंगे दैट टू वैट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल फेज टू में कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज डेवलप किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल और तीसरे फेज में पैंडेमिक रिसर्च पे फोकस किया जाएगा अगेन एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल इस टॉपिक के बेसिस पर ये प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट कर फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इज अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉटेंट फ्रॉम आर सिलेलेबस पेपर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो विदेशों से हमारे देश में कॉन्ट्रीब्यूशन आता है पैसा आता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजेंसीज के लिए एन के लिए उनको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है ये कानून औरिजिनली नाइनटीन में लाया गया था 2010 में इसको मॉडिफाई किया गया पिछले साल भी इसको अमेंड किया गया था तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ज़रा देखते हैं इस कानून के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो भी फॉरेन फंडिंग आती है बाय एनी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन उस फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट एंड दिस रेगुलेशन इज़ डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना अभी तक हो सकता है कि आप अभी तक ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन ना देख पा रहे हो लेकिन तमाम जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज होते हैं जैसे इंसर्जेंसी के माओइज़म के टेर्रिज़म के उसमें बहुत बार फॉरेन फंडिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का रोल होता है एंड दट इज वे दिस टॉपिक इज़ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये तमाम जो टेरिस्ट ग्रुप्स हैं या माविस्ट ग्रुप्स हैं आप सोचिए इतने महंगे महंगे हथियार और ये वेपन लेकर के कहाँ से घूम रहे हैं अनलेस दे हैव फॉरन सपोर्ट तो इसी कारण से इंटरनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है और इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इसीलिए यही फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी मैनेज करती है देख करके कन्फ्यूजन हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री होगी फॉरेन मिनिस्ट्री लेकिन ऐसा नहीं है हियर अकॉर्डिंग टू दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप टू रुपीज तो पच्चीस हजार तक आप बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के परमिशन के एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो यू विल हैव टू टेक प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द एक्ट द ऑर्गनाइजेशंस हु वॉन्ट टू टेक फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशंस नीड टू रजिस्टर्ड डेमसेल्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी फाइव ईयर्स ये क्यों ज़रूरी है क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं वो भी जरा देखते हैं वाई फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज़ नीडेड क्योंकि बहुत सारे जो एन जी ओज हैं इंडिया में उनको जानबूझ करके बाहर से फंडिंग आती है ताकि इंडिया के अंदर वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोक पाएँ इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करें इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटेन करें इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ दो में ग्रीन पीस नाम की एन जो इन्वायरमेंट फील्ड में काम करती एन जी इसको बैन कर दिया था भारत सरकार ने क्योंकि पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो ग्रीन पीस के जो लोग हैं और ग्रीन पीस के जो प्रोटेस्टर्स हैं ये कुदानकुलम पावर प्रोजेक्ट कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में लाया जा रहा है उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जब भारत सरकार ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इसके लिए इनको पैसा दिया गया है विदेशों से कि इंडिया के इस कुलम पावर प्रोजेक्ट को रोको ताकि इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट ना कर पाए इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट ना हो पाए तो इस कारण से इंडिया ने फिर ग्रीन पीस जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो इन्वायरमेंट फील्ड में एक्टिविज्म का काम करती है उसको बैन कर दिया

ये सारे एनजीओ माना जा रहा है कि देवर इंगेज इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज आसाम के अंदर एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स से स्प्रेड करने में ये एनजीओ काम कर रहे थे इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट फ्रैंकी द डायनासोर इस टॉपिक इज़ एट मैक्स इम्पॉर्टेंट फ्राम फिल्म पर्स्पेक्टिव अब आपने तो यू और ए दोनों का इस बार का फिल्म पेपर देख लिया है किसी भी तरीके के सवाल आते हैं यू ने तो और भी टेस्ट क्रिकेट पर पूछा है सवाल या फिर अब ओलंपिक्स पे सवाल पूछा है तो मुद्दा यह है कि अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे इधर उधर के सवाल भी आ जाते हैं इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स भी आजकल कवर करता हूँ न्यूज़पे प्रनलिस में देखिए इस टॉपिक में हुआ क्या ये क्या है द डायनासोर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने यूनाइटेड नेशन की एसोसिएट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसने एक वीडियो रिलीज़ किया है एक वीडियो छोटा सा क्लिप रिलीज़ किया है इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हॉल में एक डायनासोर घुस आता है उस डायनासोर का नाम है फ्रेंकी ये डायनासोर ऑफ कोर्स रियल डायनासोर तो नहीं घुसा है ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है डायनासोर का सी है डायनासोर का दिखा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हॉल में यह डाइनासोर घुसाता है फ्रेंकी डायनासोर और ये फिर लोगों को स्पीच देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बहुत सारे डिप्लोमेट्स वहाँ बैठे हुए हैं उनको ये स्पीच देता है उस स्पीच का थीम है गोइंग एक्सटिंक्ट इज़ अ बैड थिंग कहता है जिस तरह से हम लोग एक्सटिंक्ट हो गए तुम लोग एक्सटिंक्ट मत हो इट्स अ बैड थिंग कहता है एटलीस्ट वी हैड एन एस्टेरायड कह रहा है कि हमें कम से कम हम एस्टोरायड के कारण हम एक्सटिंक्ट हुए हमारे पास तो एक कम से कम ये बहाना है कि हमने कुछ गलती नहीं की एस्टोरायड के कारण हम एक्सटिंक्ट हुए लगभग सेवेंटी मिलियंस ईर्यर्स अगो वट विल बी योर एक्सक्यूज तुम लोग क्या बहाना दोगे तुम लोग जिस तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो यू विल हैव नो एक्सक्यूज ऑल्सो एंड इट्स टाइम वेन ह्यूमन स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट मेकिंग चेंजेस टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस नहीं तो तुम सब भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे ये वीडियो क्लिप भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो, तो मैंने सोचा ये वीडियो क्लिप रियल में नहीं हुआ है ठीक है ऑफकोर्स जाना शुरू नहीं आया लेकिन ये वीडियो क्लिप कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस की मदद से बनाया है ये वीडियो क्लिप मैंने फिर सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ देखिए इसको know a thing or two about extinction. and let me tell you, and you kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. and driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing i've ever heard. at least we had an asteroid. what's your excuse? you're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now as you rebuild your economies and bounce back from this pandemic. This is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. इस टॉपिक के पे ये हमने आपको फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है कुछ भी पूछ सकता है फ्रैंकी द डायनासोर क्या है या पूछ सकता है डोंट चूज एक्सटेंसन हाल फिलहाल में ये स्लोगन क्यों न्यूज में था इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं फिल्म में तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट इज अबाउट वर्ल्ड होलो गिबॉन डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखिए चौबीस अक्टूबर बीता हुआ जो टाइम था चौबीस अक्टूबर दैट वॉज वर्ल्ड होलोक गिबॉन डे तो होलो कीबोर्न के बारे में जरा देखते हैं होलोकिबोर्न इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया आई एम द ओनली स्पीसीज ऑफ एप फाउंड इन इंडिया हु एम आई आंसर इज होलोकबॉर्न इट इज़ फाउंड इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश एंड साउथ वेस्ट चाइना इंडिया के अंदर भी इट इज़ फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आई सी एन के हिसाब से देर थ्री स्पीसीज ऑफ होलो कीबॉर्न वेस्टर्न होलो कीबॉन दट इज़ इंडेंजर्ड कैटेगराइज इन आई सी एन रेड डाटा बुक ईस्टर्न हुआ की बॉन्न कैटेगराइज एज वनरेबल इन आयु सी एंड रेड डाटा बुक एंड स्काई वॉकर गे बॉन्स कैटेगराइज एज थ्रेटन इन आयु सी एंड रेड डाटा बुक इंडिया के अंदर आउट ऑफ दीज थ्री ओनली टू हु की बॉन्स आर फाउंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न उसमें भी वेस्टर्न तो जरूर पाए जाते हैं लेकिन ईस्टर्न के पाए जाने पर डाउट जताया है आयु सी एन ने वेस्टर्न हुआ गिबोन्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग आसाम अपार्ट फ्रॉम इंडिया दे आर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश एंड म्यांमार लेकिन ईस्टर्न हु गिबोर्न ज्यादा नहीं देखते हैं दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन लोहित एंड दिबांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं इस टॉपिक बेसिस पर फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आसाम सेगमेंट इज अबाउट फूड हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए आसाम से डॉक्टर बसंती बोरुआ जी को फूड हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है बाय सेंटर क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी ऑफ दिल्ली सी इज रिकॉग्नाइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टुअार्ड्स इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टुआर्स ट्रेडिशनल फूड नॉलेज एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इन इंडिया कल जो हमने आपको प्रेलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं विच आर द कंट्रीज लार्जेस्ट आर पे लगो इन द वर्ल्ड आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडोनेशिया एंड सी एस नाइन प्रोटीन इट इज़ अ मॉलिकुलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग